नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बेटियों के खाते में केंद्र सरकार भेज रही 2,58,000 रुपए, आज ही करें आवेदन। आइए जानते हैं इस वायरल दावे का सच। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, देश में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर से कई तरह के प्रयास कर रही है। उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर बालिका समृद्धि योजना। इन सभी योजनाओं का केवल यही उद्देश्य होता है कि देश में बेटियां सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों और समाज में बराबर की भागीदार बने। कई बार इन योजनाओं की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक और ऐसी ही योजना की जानकारी लोगों को दी जा रही है, जहाँ इस बात का दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में बेटियों को केंद्र सरकार द्वारा 2,58,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह खबर लोगों के बीच खूब वायरल भी हो रही है। हम तक भी जब यह खबर पहुंची तो हमने भी दावा किए जा रहे इस वीडियो मैसेज की पड़ताल शुरू कर दी। तो आइए अब हम जानते हैं कि वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। दरअसल YouTube के एक चैनल जो सरकारी ब्लॉग के नाम से है, उस पर एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि वे सभी लड़कियां जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उन सभी के खाते में केंद्र सरकार 2,58,000 रुपए भेज रही है, इसलिए आज इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें। इसमें यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार बेटियों के पढ़ाई और शादी में मदद के उद्देश्य से यह रुपए दे रही है ताकि बेटियों का भविष्य अच्छा हो और वे समाज में सशक्त बन सकें। इस वीडियो के टाइटल में यह लिखा था कि मोदी सरकार सभी बेटियों को दे रही है 2,52,000 की राशि, आज ही करें आवेदन। वीडियो को 2 हफ्ते पहले ही डाला गया है और इस वीडियो पर 15,000 से भी अधिक व्यूज आए हैं। हमने भी इस वायरल हो रही खबर की पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल करने के दौरान PIB फैक्ट चेक पर हमें इस वीडियो का पता चला, जहां इस वीडियो में किए जा रहे दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। PIB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह साफ बताया गया है कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का प्रयास है और इस तरह के फर्जी खबर से सावधान रहने की जरूरत है। हैरानी की बात तो यह है कि इस चैनल के लगभग 4.59 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे। यदि ऐसे चैनल जहां लाखों लोग भरोसा करते हों, वहां इस तरह के फर्जी खबर को बताया जाए तो कई लोगों तक यह गलत जानकारी पहुंचेगी। इन दिनों सोशल मीडिया का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जहां कई बार इस तरह के फर्जी दावे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी फर्जी खबर के गिरफ्त में कई बार तो आम लोग आसानी से आ भी जाते हैं, लेकिन जब भी आपको इस तरह की खबर देखने को मिले तो किसी प्रामाणिक स्रोत से या फिर उससे संबंधित किसी सरकारी साइट या कार्यालय से इसका पता जरूर लगाएं। यदि इस तरह की योजना सरकारी स्तर पर घोषित की गई है तो तभी आप योजना को पाने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ाएं। साथ ही साथ यह भी याद रखें कि आपकी निजी जानकारी या किसी भी तरह के निजी दस्तावेज किसी से साझा करने से बचें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।